तो गाइस हो गए ना वो सारे लोग बर्बाद जिन्होंने कल मेरी बात नहीं सुनी और कैमरून गिरी को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया। जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा है या अभी भी आप कल का वीडियो मेरा जाकर देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैमरून ग्रीन ये बंदा विकेट तो लेता ही नहीं है। आप चार मैच उठाकर देख लो, चार में से एक मैच में विकेट लेगा। अब सिर्फ बैटिंग पे अगर आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हो तो कैमरून ग्रीन क्यों आप किसी क्वालिटी बैट्समैन को करो ना। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि सूर्य कुमार यादव मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन होगा। मैंने सूर्य कुमार यादव को बनाया और मैंने वीडियो में आपको बता दिया। तो जिन लोगों ने मेरी बात सुनी, जिन लोगों ने मेरी बात मानी, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को कैप्टन वाइस कैप्टन किया और ढेर सारा पैसा कल के मैच में विन किया जैसे मैंने विन किया है। तो भाई यही होता है, यही होता है जब आप लॉजिकली टीम बनाते हो, जब आप वीडियो को फॉलो करते हुए वीडियो देखकर टीम बनाते हो तो आपके 99% चांस हो जाते हैं कि आप मैच में विन करोगे। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भाई वीडियो देख लो, आपके सिर्फ 20 मिनट जाते हैं और 20 मिनट में आपको वो चीजें मिल जाती हैं जो शायद आपकी पूरी फैंटेसी की टीम चेंज कर सकती हैं और आपको करोड़पति तक बना सकती हैं। और मेरे हिसाब से जितने भी लोग फैंटेसी खेल रहे हैं भाई, वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, वो करोड़पति बनने के लिए खेल रहे हैं। तो प्लीज यार थोड़ा सी आलस जो आपका होता है ना, ये आपको बर्बाद कर देगा। आप आलस मत किया करो। अब मेरे को देख लो यार, मैं दिल्ली से दुबई आया हूं, बट यहां पर भी दुबई आकर भी मैंने सेटअप तैयार किया है और आपको वीडियो डिलीवर कर रहा हूं। क्यों भाई? ताकि आपका बेनिफिट हो सके, आप जीत सको, आपके पास पूरी तैयारी हो मैच में टीम बनाने की। तो जब मैं इतना कर रहा हूं यार आपके लिए, तो आप अपने लिए इतना तो कर ही सकते हो ना कि आप 20 मिनट का वीडियो देख लो। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है बट प्लीज ये थोड़ा तैयार करने में ना टाइम लग गया था, ठीक है, फिर भी मैंने सब कुछ तैयार करके आपके लिए वीडियो बना दिया है। तो प्लीज आप पूरा देख लीजिएगा। अब गाइस देखो, अगर आप आज वीडियो देख लेते हो तो ये लखनऊ और आपके हैदराबाद का मैच है, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है कि कैप्टन किसको करना है, वाइस कैप्टन किसको करना है और बैटिंग में किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, बॉलर्स में आज कौन है जो परफॉर्म करेगा, कौन है जो नहीं करेगा, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब कुछ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जिसने पूरा वीडियो देख लिया वो शायद एक बहुत अच्छी टीम बनाकर के विन कर लेगा। और गाइस अगर आपने अभी तक भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो भाई, 23 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में सब्सक्राइब होता है, उसके बाद आपको रोजाना वीडियोस मिलते हैं, रोजाना आप विन कर सकते हो। तो नीचे से सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको बिना आलस करे हुए दबा दीजिए। उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। और गाइस चलो बात कर लेते हैं मैच के बारे में, लखनऊ वर्सेस हैदराबाद 3:30 बजे मैच खेलाएगा। वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि पिच कैसी होगी, ग्राउंड कैसा होगा, कितना स्कोर बनाएगा, कौन विकेट निकालेगा, किसको टीम में रखना है, किसको नहीं रखना है। लेकिन यार फाइनल टीम तो जब ही बनेगी ना, जब टॉस हो जाएगा, जब प्लेइंग 11 आ जाएगी, तो फाइनल टीम जो मेरी होगी इस मैच के लिए वो मैं आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल कहां पर, फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप। 14,82,000 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, कितने, 14,82,000। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल टीम जो होगी वो आपको सिर्फ इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है और वो भी फ्री में। तो ये टीम है, ये टीम मैंने कल टेलीग्राम पर दी थी और इस टीम के साथ मैंने लाखों का प्रॉफिट कमाया है। भाई आपको लाखों के प्रॉफिट वाली टीम टेलीग्राम पर फ्री में मिल रही है। तो अगर आपको टीम चाहिए, आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ। कैसे ज्वाइन करोगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, दोनों जगह पर मैंने फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप लिंक पे क्लिक करोगे पहुंच जाओगे टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लेना, इतना इजी है बस। जाओ डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक से जाकर ज्वाइन कर लो, जरूरी है क्योंकि विनिंग फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलने वाली है टॉस के बाद। अगर बाय चांस लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा था, आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप, आपको चैनल मिल जाएगा, ब्लू टिक वेरीफाइड चैनल है, 14,82,000 सब्सक्राइब वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ज्वाइन कर लिया होगा। अब गाइस आगे हम बात कर लेते हैं आपसे फ्री गिव अवे। तो आज के मैच में आपको 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे दे रहा विजन इलेवन। अब विजन इलेवन तो रोज गिव अवे देता है भाई, विजन इलेवन ने तो कसम खा रखी है कि मेरे को यूजर्स को फ्री में पैसा कमवाना, फ्री में, उनसे कोई एंट्री फीस ही नहीं लेनी है। तो अगर आपके फोन में भाई विजन इलेवन नहीं है तो कुछ मैच बचे हुए आईपीएल के, इन मैचों में आप जितना हो सकता है उतना पैसा कमा लो फ्री गिव अवे से। तो जिसने अभी तक विजन इलेवन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, कमेंट सेक्शन में जाना, जाकर के मेरे लिंक से अभी के अभी विजन इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लो। अब मेरे लिंक से डाउनलोड करने के बेनिफिट कितने सारे हैं, आपको डाउनलोड करने पर 500 रुपए का बोनस फ्री मिलेगा, आपको पहले डिपोजिट पर 100% कैश बोनस मिलेगा,
आपको फ्री में 50,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ इस वक्त मैंने विजन 11 पर लीडर बोर्ड चलाया हुआ है, जिसमें जितने भी मेरे यूजर हैं, जिन्होंने भी मेरे लिंक से साइन अप किया हुआ है विजन 11 को, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनमें मैंने यहां पर गिव अवे चलाया हुआ है कि भाई जो भी इस आईपीएल के फाइनल तक सबसे ज्यादा डिपॉजिट करेगा उसको मिलेगी क्या, महिंद्रा एक्सयूवी 700, सेकंड पे बीएमडब्ल्यू बाइक, उसके बाद आरी क्लासिक 350 और आईफोन 14 वगैरह। अभी इस वक्त जिसने सबसे ज्यादा डिपॉजिट किया हुआ है वो 3.5 लाख रुपए। अब 3.5 लाख रुपए डिपॉजिट करके अगर आपको 17 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है तो भाई कौन सी बुरी बात है। तो जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 3.5 लाख रुपए आप एक चुटकी में डिपॉजिट कर लोगे, तो भाई जाओ साइन अप करो, डाउनलोड करो और डाउनलोड करके अपना डिपॉजिट करके गिव अवे में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अब गाइस आगे हम बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो आज का जो मैच है हैदराबाद में खेला जाएगा, वेदर क्लियर होगा, बारिश के कोई चांस नहीं होंगे। बाकी अगर हम बात करें पिच की तो बैटिंग फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि 170-180 के आसपास स्कोर यहां पर बढ़ सकता है। और जो विकेट गिरेंगे वो पेसर और स्पिनर्स, पेसर्स को थोड़े ज्यादा मिलेंगे, स्पिनर्स को थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन स्पिनर्स को भी यहाँ पे अच्छा खासा विकेट मिलते हैं। और दिन का मैच है, अगर बॉल टर्न हुई तो फिर स्पिनर्स को थोड़े से और एक्स्ट्रा विकेट मिल सकते हैं। आगे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ पिच को। तो यहाँ पर टोटल 69 मैच खेले गए, 159 का एवरेज स्कोर, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा स्कोर बनेगा नहीं। और लास्ट के मैच में भी यहाँ पर उतना ज्यादा स्कोर बना नहीं है, क्योंकि यार हैदराबाद के बीच मैच खेला गया, 171 बने, और 171 इस आईपीएल कितना एक एवरेज टोटल है आपको पता है, 170 मतलब आप डिफेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन केकेआर ने यहाँ पर 171 को डिफेंड किया, और इस मैच में आप देखोगे पेसर्स को 12 विकेट मिले और स्पिनर्स को 4 विकेट मिले। अब उसके पहले आप देखिए दिल्ली और हैदराबाद के बीच में जो मैच खेला गया, इसमें आप देखोगे नो स्कोरिंग मैच, भाई दिल्ली की टीम ने बनाया कितने, 144, हैदराबाद 7 रन से 144 का मैच हार गई, 7 रन से। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना ज्यादा मुश्किल था डिफेंड करना। इस मैच में आप देखोगे 6 विकेट पेसर्स को मिले और 6 विकेट स्पिनर्स को मिले, तो यहाँ पर तो भाई इंसाफ हुआ है, स्पिन वर्सेस पेस के बीच में दोनों को बराबर विकेट मिले हैं। तो यही चीज आप देख रहे हो, बहुत बड़े स्कोर नहीं बन रहे और वो डिफेंड भी हो रहे हैं। उसके पहले यहाँ पर मुंबई की टीम ने बनाया 192 रन, और ये मैच भी पहले बैटिंग वाली टीम ने जीता है, मतलब लगातार 3 मैच यहाँ पर पहले बैटिंग वाली टीम जीती है। तो आज जो भी टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली पहले बैटिंग चूज करेगा, ठीक है। और जो विकेट यहां पर गिरने वाले हैं मैं आपको अभी बता दूं, उनमें से मैक्सिमम जो विकेट होंगे वो थोड़े से पेसर्स को मिलेंगे, लेकिन स्पिनर्स को भी यहाँ पर ठीक ठाक विकेट मिलने वाले हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर हम जो लास्ट के 4 मैचों में विकेट गिरे, तो 34 पेसर और 17 स्पिनर्स को मिले, मतलब आधे विकेट स्पिनर्स को मिल जाते हैं पेसर्स के, ठीक है। तो ये चीज है आप देख लीजिएगा। और जो विकेट मिल रहे हैं पेसर्स को पहली इनिंग में थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं, हालांकि ज्यादा नहीं है, मतलब 18 पहली इनिंग में, 16 सेकंड इनिंग मिल रहे हैं। एट वेट अगर हम बात करें तो टोटल मैच 2 खेले गए और दोनों के दोनों लखनऊ के खाते में गए, तो यूपी वाले खुश हो जाओ, आज 3रा मैच आप जीत सकते हो। अब गाइस आगे हम बात कर लेते हैं लास्ट के 2 मैच जो खेले गए उसमें परफॉर्म किस किसने किया है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आज कौन परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि लास्ट मैच खेला गया इसमें हैदराबाद की टीम ने बनाया 121 रन लखनऊ में, जो एक बहुत मुश्किल पिच थी बैटिंग के लिए, और लखनऊ की टीम ने इस मैच को जीत लिया 5 विकेट से। अब इस मैच में आप देखिए अनमोल प्रीत 31 रन बनाए, जो कि अभी किसी को याद भी नहीं है कि अनमोल प्रीत खेल रहा है। अनमोल प्रीत ने उस मैच में बहुत बड़ा योगदान दिया था हैदराबाद का 121 का टारगेट बनाने में, बट आज शायद खेलेंगे नहीं। त्रिपाठी इन्होंने 35 बनाए, तो त्रिपाठी को आप देख लीजिए 35 यहाँ बना रहे हैं और त्रिपाठी 44 यहाँ पे बना रहे हैं। तो त्रिपाठी दोनों मैचों में स्कोर किया, तो आप एक बार फिर से उम्मीद कर सकते हो त्रिपाठी से कि शायद कुछ अच्छी इनिंग खेलेंगे। और फिर आपके पास भुवनेश्वर कुमार ने यहाँ पर विकेट निकाले एक ही मैच में, और आदिल राशिद ने 2 विकेट निकाले थे, बट आदिल राशिद आज खेलेंगे नहीं। उसके अलावा उमरान मलिक को 1 विकेट मिला था, इनके भी चांस थोड़े कम है। तो ले देखे दोनों मैचों में जिस प्लेयर ने परफॉर्म किया हैदराबाद की तरफ से वो आपके त्रिपाठी है और किसी ने नहीं किया। अब इधर से अगर हम देखें तो कुणाल पांड्या द कैप्टन लास्ट मैच में 34 रन बनाए और 3 विकेट निकाले, भाई गजब। जिन्होंने कैप्टन किया था लास्ट मैच में हैदराबाद के अगेंस्ट, उन्होंने चांदी काटी थी, ढेर सारा पैसा जीता था। अब सिर्फ इसी मैच में नहीं, इस मैच में भी आपके कुणाल पांड्या ने 2 विकेट निकाले थे, तो 2 मैचों में अभी तक 5 विकेट ले चुके हैं हैदराबाद के अगेंस्ट, तो इस चीज को याद रखिएगा। और सामने आज भी सारे के सारे राइट हैंड बैट्समैन है हैदराबाद में, आज भी कुणाल पांड्या इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आपके काइल मार्स ने 13 बनाए थे इस मैच में, उसमें खेले नहीं थे, और आपके बिश्नोई और मिश्रा को भी यहाँ पे विकेट मिले, तो यहाँ पे तो सारे विकेट स्पिनर्स को ही मिले थे। अब गाइस इस मैच में आप देखोगे उसके पहले जो 2022 में खेला गया था आपके आवेश 4 विकेट लिया था, आज बहुत सारे लोग आवेश को ड्रॉप करेंगे, बट आज आपके लिए आवेश एक ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, हालांकि 100% परफॉर्म नहीं करेंगे लेकिन ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। अब गाइस आगे हम बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन। देखो यार मैच प्रेडिक्शन ये वाली जो चीज होती है ना बहुत मजेदार होती है, आपने ना
जो हर किसी को ओपिनियन होता है किसी भी चीज को लेकर के, चाहे पॉलिटिक्स हो, आप किसी से पूछ लो भाई कौन जीतेगी, हर कोई अपनी पॉलिटिक्स झाड़ देगा कि नहीं कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, ये होगा फलाना होगा। आप मैच की पूछ लो कि कौन मैच जीतेगा, हर कोई झाड़ देगा। हर किसी के पास ओपिनियन होता है, बट हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो ओपिनियन देकर पैसा कमा ले। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास ओपिनियन है तो भाई आप उसको वेस्ट क्यों करो, आप ओपिनियन से पैसा कमाओ। कैसे कमाओगे? आप प्रोबो डाउनलोड करो। अभी देखो प्रोबो पे कल मैंने ओपिनियन दिया कि भाई सूर्य कुमार यादव 35 रन बनाएगा, मेरे को लग रहा है बनाएगा, इसलिए तो मैंने वाइस कैप्टन किया था। तो मैंने यहां पर अपना ओपिनियन देकर यस कर दिया। अब मैंने प्रोबो पे यस किया तो मेरे को 4 लाख रुपए यहां पर फ्री में कमाने का मौका मिल गया बिना रिस्क के। तो इसी तरीके से आप भी अपना ओपिनियन देकर पैसा कमा सकते हो कि आज कौन सी टीम मैच जीतेगी, हैदराबाद के आज लखनऊ का गेम जीत पाएगी, मेरे को लग रहा है नहीं जीतेगी, मेरे को लग रहा है लखनऊ जीतेगी तो मैं यहां पर नो करूंगा, ये मेरा ओपिनियन है। अगर यहां पर लखनऊ जीती तो मैं ढेर सारा पैसा कमा लूंगा। तो इसी तरीके से आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रोबो को डाउनलोड करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करने लेना। अब मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर बेनिफिट क्या है कि जितने भी डाउनलोड करने वाले पहले 5000 लोग होंगे उनको फ्री में 50 रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो अभी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर डाउनलोड कर लो। अब जब आप ये मैच खेलोगे तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आज कुंडन डीकॉक और आपके अभिषेक शर्मा में से किसका स्ट्राइक रेट हाई होगा। भाई कुंडन डीकॉक बहुत मारता है तो मेरे को लग रहा है कुंडन डीकॉक का स्ट्राइक रेट ऊपर होगा अभिषेक शर्मा से, तो मैं कुंडन डीकॉक को यहां पर सेलेक्ट करूंगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप उनको ओपिनियन दे सकते हो उनको ओपिनियन दो, पैसे कमाओ। तो जाओ भाई डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक जाकर डाउनलोड कर लो। अब गाइस आगे हम बात कर लेते हैं आपसे। यहां पर आप प्लेइंग 11 में देखोगे तो आपके क्विंटन डीकॉक ओपनिंग करेंगे काइली मार्स के साथ में, फिर आपके दीपक हुड्डा है, कुणाल पांड्या है, स्टॉइनिस है, निकोलस पुरन है, आयुष बदौनी, स्वप्निल सिंह, आवेश खान, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई, ये इनकी लाइनअप होगी। अब इसमें यश ठाकुर आपके इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलने वाले हैं। अब इस टीम में आप देखिए मोस्ट ऑफ द ओवर कौन डालने वाला है जिससे कि आपको आसानी हो जाए बॉलर चूज करने में, क्योंकि इनके पास बहुत सारे बॉलर्स हैं। अब ये डिसाइड करना कि 4-4 ओवर कौन डालेगा थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपके आवेश खान के 4 जाने वाले हैं, आपके रवि बिश्नोई के 4 जाने वाले हैं, आपके कुणाल पांड्या के 4 जाने वाले हैं। तो इन प्लेयर्स के 4-4 ओवर लगभग कन्फर्म है, बाकी जो ओवर बचे 8 उसमें आपके मोहसिन खान को 2 से 3 ओवर मिल सकते हैं। आपके स्वप्निल सिंह सामने राइट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो ये आपको शायद 2 ओवर 3 ओवर करा के दे दें, और अगर विकेट मिल गई तो आपको 4 भी जा सकते हैं अगर इस प्लेयर को हेल्प हुई तो ये चीज है। बाकी जो ओवर जाएंगे आप यश ठाकुर के खाते में जाएंगे, ठीक है। अब गाइस इस टीम में से हमारी टीम में कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। मैं क्विंटन डीकॉक को लूंगा, आपके काइली मार्स को लूंगा और आपके यहां पर कुणाल पांड्या को लूंगा, फिर मैं स्टोरीज को लूंगा। ये 4 प्लेयर मेरी टीम में कन्फर्म होंगे अगर प्लेइंग 11 में होते हैं तो। अब इसके बाद बाकी जो 3 होंगे उसमें मैं आपके आवेश खान, रवि बिश्नोई, ठीक है, और फिर मैं आपको यहां पर आयुष बदौनी को टीम में रखूंगा। ये मेरे 7 प्लेयर इस टीम से हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मेरे को कुछ भी चेंज करना पड़ा टॉस के टाइम पे प्लेइंग 11 के हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम बता दूंगा। फिलहाल मैंने लिए हुए हैं, अब क्यों लिए हुए हैं मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो भाई क्विंटन डीकॉक आपको बताया किस तरीके से बंदा परफॉर्म करता है, पहले ही मैच में आके 70 बना दिए और आज ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस होंगी एडविन मार्करम के साथ में, तो इस चीज को याद रखना। और इस ग्राउंड पे 29, 19 और 44 3 बड़ी इनिंग खेली हुई है, हालांकि बड़ी तो नहीं है लेकिन अच्छी खासी है। और इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच में जरूर एक बनाया था, बाकी उसके पहले 40, 25, 67 और 69 हर मैच में स्कोर किया है बंदे ने, तो ये एक बेस्ट चॉइस होंगी कैप्टन वाइस कैप्टन। इस बात काइली मार्स है, काइली मार्स का फंडा आप सबको बताए, मैं आपको एक्सप्लेन भी करते रहता हूं कि ये लखनऊ में तो होगा फ्लॉप लेकिन जैसे ही लखनऊ के बाहर जाएगा खेलने के लिए 48 बनाएगा, 54 बनाएगा, 51 बनाएगा, उसके बाद फिर 53 बनाएगा, मतलब जो भी बड़ी इनिंग है वो सारी लखनऊ के बाहर आ रही है, तो आज फिर से लखनऊ के बाहर है तो टीम में रखना जरूरी है, ठीक है। इस टीम के आगे चाला की एक ही मैच खेला उसमें 53 बनाए और वो भी बहुत हार्ड पिच थी। अब उसके बाद दीपक हुड्डा है, भाई इसको क्यों लूं मैं, मेरे को कोई बता देगा इसको क्यों लूं मैं, भले आज ये सेंचुरी मार दे बट इसके जो कहते ना तौर तरीके तो नहीं लग रहे कि रन बनाएगा, तो इसकी वजह से मैं आपके दीपक हुड्डा को टीम में नहीं रखूंगा, आप चाहो तो ले सकते हो। अब गाइस आगे आप देख लीजिए आपके कुणाल पांड्या है, कुणाल पांड्या लास्ट मैच में इनको विकेट नहीं मिला, उसके पहले मैच में भी नहीं मिला, रन भी नहीं बनाया, बट इस टीम के अगेंस्ट 3 विकेट 2 विकेट और उसके बाद 1 विकेट मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया हुआ है, तो इनको टीम में मैं रखूंगा, कैप्टन भी है तो पूरे ओवर भी कराएंगे, ठीक है। सामने राइट हैंड बैट्समैन है और ये लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, तो इनके चांसेस है कि हाई विकेट निकालेंगे। स्टॉइनिस
स्टोइनिस का भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपके कैमरून ग्रीन है बहुत ज्यादा विकेट नहीं निकालते, ऐसे स्टोइनिस भी हैं, जीरो विकेट बॉलिंग नहीं कराई, जीरो विकेट, एक विकेट, ठीक है, तो इनको थोड़े से कम विकेट मिलते हैं, आप इनको टीम में रख सकते हो, बट कैप्टन वाइज कैप्टन थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हमने बनाना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो आप टीम में रख लो, मेरी भी टीम में है, क्योंकि ये अच्छे बैट्समैन है और आपको कभी भी बॉलिंग करा के दे सकते हैं। उसके बाद निकोलस पुरन है, टीम में लेना तो चाहता था बट मेरे पास ऑलरेडी हेनरिक क्लासन और आपके क्विंटन डिकॉक दो अच्छे ऑप्शन है, तो उनमें से मुझे किसी एक को लेना है, तो इसलिए मैं इनको नहीं लूंगा टीम में। अब गाइस उसके बाद आयुष बदौनी है, आयुष बदौनी लगातार दो मैचों में हमें अच्छा खासा विन करवा चुके हैं और आज उम्मीद है एक बार फिर से अच्छी खासी आपको पॉइंट देके जाएंगे, तो आयुष बदौनी मेरी टीम में होंगे और ऑलरेडी इस टीम के अगेंस्ट एक मैच में 19 बना चुके हैं। स्वप्निल सिंह पहला ही मैच खेला, जीरो विकेट, और इस मैच में भी कुछ खास उम्मीद है नहीं, आप चाहो तो अगर स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प हुई तो टीम में रखने लगा, लेफ्ट ऑफ ब्रेक बॉलर है। उसके बाद आवेश खान को थोड़े से कम विकेट मिल रहे हैं बट इस टीम के अगले चार मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं और लास्ट मैच में 4 विकेट निकाले थे, तो इस चीज का कॉन्फिडेंस इनके अंदर होगा, तो इसकी वजह से मैं इनको टीम में रख रहा हूँ। अब गाइस आगे आप देखिए, आपके मोहसिन खान है, रवि बिश्नोई है और आपके यश ठाकुर है। मोहसिन खान ठीक है, विकेट निकाल सकते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और सामने राइट हैंड बैट्समैन है, तो शायद इस चीज का बेनिफिट मिल जाए, बट फिलहाल मैंने टीम में नहीं लिया, अगर मैं लूंगा भी तो मोहसिन खान को आवेश की जगह पर लूंगा। उसके बाद रवि बिश्नोई दो विकेट हर मैच में लगभग इन्होंने लिया, और खास तौर पर रवि बिश्नोई जब खेलते हैं हैदराबाद के अगेंस्ट इन्होंने विकेट निकाले 5 मैचों में 8 विकेट, काफी अच्छी विकेट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज है। यश ठाकुर को विकेट थोड़े से कम मिले, एक ही मैच में 4 मिले, बाकी उसके खिलाफ फ्लॉप रहे, तो अगर विकेट निकालेंगे तो फिर से 3-4 दे सकते हैं, तो आप गिलानी की टीम में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में रिस्की होंगे, तो ये चीज है। अब गाइस बाकी जो स्क्वाड है आपके लखनऊ का, उसमें आप देख लीजिए, मरुण वोरा भी होंगे, करण शर्मा, डेल सैम्स, शेफर्ड, फ्रैंक माकड़ और मार्कुड के गौतम, बहुत सारे, बट मेरे हिसाब से लगता नहीं कोई खेलेगा। अमित मिश्रा भी होंगे, अमित मिश्रा शायद ना खेले क्योंकि ये पिच उतनी ज्यादा स्पिन नहीं होती है कि आप इतने सारे स्पिनर्स खिला लो, अगर ये खेले तो स्वप्निल सिंह की जगह पर खेल सकते हैं। अब गाइस आगे आप देख लीजिए, हु विल स्कोर मोस्ट रन एंड हु विल टेक मोस्ट विकेट इन दिस मैच, तो ये आपका फ्री गिव अवे क्वेश्चन है, आपने करना कुछ भी नहीं होता है, जस्ट आपने कमेंट सेक्शन में जाकर के इस क्वेश्चन का आंसर करना होता है, अगर आपने आंसर सही कर दिया, सही प्रेडिक्शन दे दिया, तो आपको मेरी तरफ से 10,000 रुपए फ्री मिल सकते हैं, जी हाँ, जस्ट एक सही आंसर दे करके। लेकिन सही आंसर देने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, कंफर्म नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सही आंसर देते हैं तो उनमें से मुझे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, तो आप जाओ कमेंट सेक्शन में जाकर के ये हैशटैग यूज करते हुए जाकर के अपना आंसर दर्ज करा दो, अगर आपका आंसर सही हुआ तो आप एक लकी विनर्स की कैटेगरी में आ जाओगे, अगर आप लकी हुए तो फिर आपको फ्री में 10,000 रुपए मिल सकते हैं। अब गाइस आगे हम बात कर लेते हैं आपसे हैदराबाद की लाइनअप के बारे में, तो हैदराबाद की प्ले ग्राउंड आप देखिए, इसमें अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे अनमोलप्रीत सिंह के साथ, अनमोलप्रीत सिंह लास्ट में जो मैंने आपको बताया इस बंदे ने परफॉर्म किया था, 31 बनाए थे, तो आज एक बार फिर से उस चीज को आप देख सकते हो, टीम में रख सकते हो उनको। मैं अभिषेक शर्मा को लूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इनसे बॉलिंग के चांस होते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी स्पिन की तो बॉलिंग करा सकते हैं, बाकी अनमोलप्रीत सिंह भी अच्छे होंगे, अभिषेक शर्मा अच्छे फॉर्म में, लेकिन अभिषेक शर्मा के साथ एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आगे मैं आपको दिखाऊंगा। राहुल त्रिपाठी, उसके बाद एडन मार्कर है, ग्लेन फिलिप्स है, हेनरिक क्लासन स्पिन के बहुत अच्छे बॉलर हैं, उसके बाद अब्दुल समद है, फिर आपके मार्को जैनसन है, विक्रांत शर्मा है, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और टी नटराजन आपके इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम में आ रहे हैं। अब गाइस इस टीम में आप देखिए मोस्ट ऑफ द ओवर कौन कराने वाले हैं, तो भूवी के 4 ओवर, मार्कंडे के 4 ओवर, उस बाद मार्को जैसन के 4 ओवर, तो ये तो कंफर्म है, और आज आपके एडन मार्करम के भी 3-4 ओवर जाने वाले हैं। क्यों? जैसे इस टीम में सारे राइट हैंड बैट्समैन है तो उस टीम में भी मैक्सिमम लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और उनके पास राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर आपके एडन मार्करम है, तो इसलिए दोनों कैप्टन दोनों टीम की तरफ से आज अच्छी खासी बॉलिंग कराने वाले हैं। अगर आप चाहो तो डिकॉक को ना बना करके दोनों कैप्टन को अपना कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपके बॉलर्स होंगे उसमें विभ्रांत शर्मा को 2-3 ओवर मिल सकते हैं, ठीक है, और उसके फिर यहाँ पर नटराजन के तो 4 कंफर्म है ही भाई है, तो ये प्लेयर है जो आपको आज बॉलिंग करा के देंगे। अब गाइस इस टीम में आप देख लीजिए हमारी टीम में से कौन कौन प्लेयर होगा, तो मैं राहुल त्रिपाठी को टीम में रखूंगा, अभिषेक शर्मा भी हमारी टीम में हो सकते हैं, बट फिलहाल मैं राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा और एडन मार्करम, फिर मैं ना इनको लिया है ना इनको लिया है ना इनको लिया है और ना मैं इनको ले पा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर आपके मयंक मार्कंडे या टी नटराजन में से किसी एक के साथ जाऊंगा, हो सकता है भुवनेश्वर कुमार को भी ले लूँ, लेकिन इनमें से आई चांस है मैं इनमें से किसी एक के साथ जाऊंगा, और अभी फिलहाल मैंने किसको टीम में लिया हुआ है आपको आगे लास्ट में दिखी जाएगा जब मैं आपको टीम दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैं क्यों किसको ले रहा हूँ, अभिषेक शर्मा अच्छे फॉर्म में, अच्छा कर रहा है, टैलेंटेड प्लेयर है, बॉलिंग भी करा सकता है, बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आप देखिए, ये बंदा 55 बना रहा है, 67 बना रहा है, 34 बना रहा है, 32 बना रहा है, लेकिन इस ग्राउंड पे नहीं बना रहा भाई, जितनी बड़ी इनिंग है वो हैदराबाद के बाहर आ रही है,
यहां पर बना रहा 9 रन 5 रन 1 रन 0 रन 5 रन 2 रन। भाई क्या मजाक है यार, आपने एक बार भी 10 रन नहीं बनाया इस ग्राउंड पे। तो इस चीज को देखते हुए आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि आज फिर से ऐसा ही हो जाए तो आपकी लॉटरी लग सकती है, ठीक है। और ग्रैंड लीग में खासतौर पर, स्मॉल लीग में तो आप सेफ चले जाना, ग्रैंड लीग में आप इनको ड्रॉप करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। इस टीम का अगर स्टेकी मैच खेला 13 बनाए तो यही चीज है। उसके बाद अनमोल प्रीत 2 मैच खेले आईपीएल में, दोनों मैचों में इन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया है, और इस टीम के अगेंस्ट भी एक ही मैच खेला उसमें 31 बनाए, तो अच्छे ऑप्शन होंगे। और इवन आपके अभिषेक शर्मा से ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इसके पहले इन्होंने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अच्छा खासा स्कोर किया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनमोल प्रीत से अच्छे ऑप्शन आज के मैच में हो सकते हैं। थोड़ा अलग जाएंगे और आपको अलग परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। राहुल त्रिपाठी लास्ट मैच में 27 बनाए और इस टीम के अगेंस्ट दोनों मैचों में स्कोर किया है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे और शायद इनको टीम में रखना जरूरी होगा। अब उसके बाद आपके एडन मार्करम है, मार्करम बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिले, बहुत ज्यादा रन नहीं बना रहे, बट आज उम्मीद है शायद कुछ अच्छा करेंगे, तो इसलिए मैं टीम में ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मैच में भी इस ग्राउंड में इन्होंने 41 बनाए थे, 1 विकेट निकाला था, और रन वन ठीक ठाक है बना रहे थे, बाकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन है। उम्मीद है इस मैच में कुछ अच्छा करेंगे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। ग्लेन फिलिप लास्ट में जो 25 बनाया और टीम को जिताया था, आज क्या करेंगे मैच में देखा जाएगा। और आपके एडमार्क हेनरी क्लासन भाई 26 36 53 31 36 हर मैच में स्कोर करते हैं, और इस ग्राउंड पर आप देख लो 36 31 36, मतलब गजब भाई, क्योंकि यार इसको ना स्पिन खेलने में प्रॉब्लम नहीं होती है और बड़े बड़े शॉट मारता है, तो एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन आपके लिए हेनरी क्लासन होगा। अगर आप एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर के साथ जाना चाहते हो फिर आपके अब्दुल समद है, बहुत ज्यादा उम्मीद करना मत, कभी कभी स्कोर कर सकते हैं। मार्को जैनसन हर मैच में विकेट लेते हैं, सिर्फ 2 मैचों को छोड़कर इन्होंने हर मैच में 2 विकेट निकाले हैं, और इस ग्राउंड पर अभी तक 4 मैच खेले और 4 मैचों में 6 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं, 2 विकेट पर मैच के हिसाब से 3 मैचों में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और मैं इनको टीम में शायद रखने वाला हूँ। विराट शर्मा कोई उम्मीद है नहीं, हो सकता है कुछ ले ले, लेकिन फिलहाल मैंने ड्रॉप किया हुआ है। मयंक मारखंडे लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन इसके पहले इस आईपीएल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और इस टीम के अगेंस्ट आप देखोगे, माफ कीजिएगा, इस ग्राउंड पे पहले 2 मैचों में 4-4 विकेट निकाले थे, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। 5 मैचों में 9 विकेट यहां पर ले चुके हैं, और क्वालिटी प्लेयर है, क्वालिटी बॉलर है, अगर थोड़ी सी भी स्पिन को हेल्प हुई तो आपको विकेट निकाल के देंगे, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, टीम में रख लेना। भुवनेश्वर कुमार का भी अच्छा गया इस सीजन, लेकिन बहुत ज्यादा बंडल्स पे विकेट निकालते नहीं है, तो 1 विकेट 2 विकेट मैक्सिमम, तो देख लेना चाहो ले सकते हो। टी नटराजन लास्ट में विकेट नहीं मिला, लेकिन उसके पहले लगभग हर मैच विकेट मिला, और इस ग्राउंड पे इन्होंने अभी तक सिर्फ 1 मैच विकेट ले गया, हर मैच में विकेट निकाले हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। लेकिन लेना किस किस को है, किस किस को मैंने लिया हुआ है आप मैं लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। मयंक अकील आदिल राशिद और कार्तिक त्यागी वगैरह खेलेंगे नहीं, हालांकि आदिल राशिद का आपको पता है लास्ट मैच में इस टीम के अगेंस्ट 2 विकेट निकालते हैं, बट मेरे को लग नहीं रहा कि इनको खिलाने वाले हैं। अब गाइस आगे आप देखिए प्लेयर बटन, ये चीज आपके लिए बहुत हेल्प करती है टीम बनाने में। जैसे कि कुणाल पांड्या, ठीक है त्रिपाठी स्कोर कर रहा है, बट कुणाल पांड्या इसको आउट करता है, 30 बॉल में 3 बार आउट किया सिर्फ 28 रन खर्च करके। कुणाल पांड्या आपके मार्करम को भी 7 बॉल में 2 बार आउट कर चुका है, और ये देख लेना जब मार्करम बैटिंग के लिए आएगा तो कुणाल पांड्या को आप बॉलिंग में देखोगे। कुणाल पांड्या अग्रवाल को भी 27 बॉल में 2 बार आउट कर चुका है, हालांकि अग्रवाल ने इनको मारा भी बहुत है, 51 बनाए, तो कुणाल पांड्या आपके त्रिपाठी और मार्करम दोनों के लिए एक प्रॉब्लम होगा, और ये चीज कुणाल पांड्या को पता होगी, तो कुणाल पांड्या इन दोनों को बॉलिंग कराने वाला है। भुवनेश्वर कुमार आदिल राशिद, भुवनेश्वर कुमार को आप देखिए पूरन को 44 बॉल में 3 बार आउट किया है, और स्टोइनिस को आपके आदिल राशिद ने 38 बॉल में 3 बार आउट किया है, तो इन्होंने 2 बार आउट किया पूरन को, तो ये चीज है। अब गाइस आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई इस वक्त जो मैंने टीम बनाई हुई है, इस वक्त जो मेरी टीम है क्या टीम है। टाइम बहुत हो गया यार, 9:30 से ज्यादा का टाइम हो गया, तो ये वीडियो आपको लगभग 10:30 तक मिल जाएगी, तो प्लीज ध्यान से वीडियो को देख लेना। देखो आपकी लखनऊ और हैदराबाद के मैच में जो आज की मेरी टीम है उसमें किस किस को मैंने लिया हुआ है। विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक, आपके पास हेनरी क्लासन और आपके पास निकोलस पुरन भी अच्छे ऑप्शन है, बट चूंकि मेरे को 4 ऑलराउंडर लेने, 4, इसकी वजह से मैंने 1 विकेट कीपर लिया हुआ है। अगर टॉस के टाइम पे पिच कुछ अलग तरीके की हुई, बहुत ज्यादा बैटिंग पिच हुई, तो फिर मैं इनमें से किसी एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर ले लूंगा, बट फिलहाल मैंने 1 ही विकेट कीपर लिया हुआ है। बैटिंग में अभिषेक शर्मा, आयुष बदौनी और उसके बाद राहुल त्रिपाठी, आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो अभिषेक शर्मा की जगह पर एक दूसरे बैट्समैन को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभिषेक शर्मा इस ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं करता है। अब मैं अभिषेक शर्मा को लूंगा या नहीं लूंगा, फाइनल तो आपको टॉस के टाइम पर टेलीग्राम पे पता चलेगा, तो इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कुणाल पांड्या, स्टोइनिस, मार्करम और आपके काइली मायर्स, ये मेरे 4 बैट्समैन है। उसके बाद मारखंडे, रवि बिश्नोई और आवेश खान मैंने बॉलर लिए हुए हैं, आप मोहसिन खान को ट्राई कर सकते हो, आप मारखंडे की जगह पर टी नटराजन या आपके भुवनेश्वर कुमार को ले सकते हो, ठीक है। अब मैं फाइनल किसको लूंगा,
मेरी टीम में कौन होगा ये आपको टेलीग्राम पे पता चली जाएगा टॉस के बाद, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जाओ डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री में ज्वाइन हो रहा, कोई पैसा आपका लग नहीं रहा, लेकिन बेनिफिट आपको कितने सारे हो रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने का, फ्री टीम मिल रही है, फ्री टिप्स मिल रहे हैं, फ्री गिवअवेज मिल रहे हैं और आपको फ्री में विनिंग प्रूफ देखने को मिल रहे हैं। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अगर लिंक नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम सर्च करना फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं टेलीग्राम पर, बेस्ट ऑफ लक।